देखिए, इरपिन के बाद रूस की सेना कीव पर कब्जा करना चाहती है। कीव जीतकर ही पूरी दुनिया को पुतिन ये दिखाना चाहेंगे कि यूक्रेन अब उनका है। यूक्रेन की राजधानी कीव के उत्तरी हिस्से में बसे इरपिन की हकीकत पिछले 48 घंटे में कुछ ऐसी है जहां रूस और यूक्रेन की जंग में नागरिक कब बारूद के धमाके के शिकार हो जाएं पता नहीं होता, जहां युद्ध विराम भी इस बात की गारंटी नहीं दे रहा कि लोग आसानी से बाहर निकल पाएंगे। गवाही इस वीडियो में, जहां सोमवार को युद्ध विराम के कुछ घंटों के बीच भी लगातार बमबारी के कारण जलते हुए घर दिखते हैं। ये तमाम सैन्य गाड़ियां अब उस ओर जा रही हैं। अभी तक लोगों को वहां से निकाला जा रहा था, लोगों को बचाया जा रहा था, लेकिन देखिए और भी इस इलाके को और मजबूत करने के लिए ये ऐसी गाड़ी होती है जिसके भीतर, जिसे एक सुरक्षा कवच के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आर्मर्ड गाड़ी है इसमें गोलियों का असर नहीं होगा, भीतर से वो पोजिशन ले सकते हैं। जो छोटे छोटे आप उसमें ओपनिंग्स देख रहे हैं वहां से वो बंदूकों को निकाला जा सकता है, बंदूक की नलियां निकाली जा सकती हैं, और एक तरह से एक फाइटिंग यूनिट के तौर पर ये गाड़ी होती है। इसीलिए अगर इसे यहां पर लगाया गया है तो आप समझिए कि मुकाबला यहां तक पहुंचने की आशंका है, अंदेशा है। और भी गाड़ियां जो बाकी सप्लाईज के साथ यहां पर जा रही हैं, यानी कि अब जो है जंग वो भीषण और भीषण रूप ले सकती है। भीषण जंग की कगार तक इरपिन शहर कैसे पहुंचा ये भी आप जरूर देखिए, जब यह हफ्ता शुरू होने से पहले ही रूस की रॉकेट और बम इरपिन में रिहायशी इमारतों को धूल धूल करके गिराने लगे। ऐसी तस्वीरों के साथ ही पिछले हफ्ते के आखिरी दिनों में तय हो गया कि पहले इरपिन और फिर आगे 30 से 35 किलोमीटर दूर कीव के मुख्य चौराहे तक रूस की सेना पहुंचना चाह रही है। कीव से इरपिन की तरफ बढ़ने वाले रास्ते को अगर देखेंगे तो या तो यहाँ पर टैंक्स को रोकने के लिए लोहे के अवरोध दिखते हैं, या फिर जमीन पर यूक्रेन के सैनिक मौजूद हैं, जो दुनिया भर से रूस और यूक्रेन युद्ध में शांति का रास्ता निकलने की कोशिशों के बीच अपनी राजधानी को बचाने के लिए खड़े हैं। बीच बीच में छोटे बंकर बने हैं, हथियार नजर आते हैं, रूस के टैंक को बर्बाद करने के लिए पेट्रोल बम की क्रेट नजर आती है। ये सारी कोशिश इसलिए है कि कीव की तरफ से रूस के जो टैंक बढ़े हैं वो आगे न पहुंच पाए। इरपिन पर अभी रूस का कब्जा नहीं हुआ, लेकिन युद्ध का रण क्षेत्र जरूर कीव से पहले इरपिन शहर बन गया। यूक्रेन की ओर से उन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के भी इस्तेमाल की बात कही जा रही है जो कि यहाँ इरपिन शहर में की जा रही है। इरपिन शहर का नाम भी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ की भाषा में आप देखिए, और आगे आप बूचा डिस्ट्रिक्ट को भी लिखा हुआ देखिए। सबसे भीषण जंग यहाँ तक पहुंच चुकी है, सिविलियंस को यहाँ से निकाला जा चुका है, इवैक्यूएट किया जा चुका है। जो यहाँ की यूक्रेन की सेना है ये जमीन पर मौजूद उस मुकाबले को अंजाम दे रही है, और इस समय ग्राउंड जीरो से आज तक आपको ये सारी जानकारियां इस समय दे रहा है। इरपिन का ये मुकाबला, ये संघर्ष जो ये निर्धारित करेगा कि कीव शहर कितना और कब तक महफूज रह पाता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, इरपिन आज तक।